तो वेलकम है जी आप सबका मेरे नए व्लॉग में। इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा सबसे रॉयल होटल, सबसे रॉयल प्राइवेट रेजिडेंसी। तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस व्लॉग में लेके जा रहा हूँ जोधपुर के उमेद पैलेस में। ये पैलेस 1929 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1943 में बनकर तैयार हो गया था। और ये पूरा का पूरा महल सैंडस्टोन पत्थर से बना हुआ है और ये हर महल की तरह पहाड़ की चोटी पे है। आप यहाँ से जोधपुर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये है महल का पूरा डिज़ाइन। इस महल में 347 कमरे हैं, एक बैंक्वेट हॉल भी है। और आपको पता है इसी महल के अंदर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। इसके भक्कम होटल को होटल ताज मैनेज करता है। तो शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ बहुत भक्कम भक्कम चीज़ें। इसके दो पंखे कोई ले गया। आपको ही देख रहा, ये तो रह ही क्या था। फिर ऐसा हुआ, अब ऐसा है। मेन सिंह के फादर साहब, गाड़ी की लाइटें, यहाँ पड़ी सारी चीज़ें बहुत ही एंटीक हैं। मैगी वाली क्रॉकरी। जब राजा जी नई क्रॉकरी खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं, तो अपना पुराना सामान, अपनी पुरानी क्रॉकरी यहाँ पे भेज देते हैं। और एक और अजीब बात ये थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का राजा घोड़सवारी का बहुत शौकीन था, उसके बहुत सारे मेडल्स थे। राज परिवार यहीं रहता है, राजमहल का कुछ हिस्सा म्यूजियम बना के हमारे लिए छोड़ा हुआ है। ये शायद शराब की बोतलें थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता, एंटीक शराब की बोतलें। चिड़िया नाथ जी के शराब के कारण चिड़िया चोटी पे बसा मेहरानगढ़ छोड़ के महाराजा जी को यहाँ पे अपना नया महल बनाना पड़ा था, क्योंकि उसके शराब के कारण 3-4 साल लगातार बारिश ही नहीं हुई थी, किसान परेशान थे। और घुड़सवारी के अलावा यहाँ का राजा प्लेन्स का बहुत शौकीन था, उसको प्लेन उड़ाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। लोग अपना हाथ दिखवा रहे थे। हैं घड़ियाँ, ये वाला राजा टाइम का बहुत पंक्चुअल था। ये है फाउंटेन, ये है दीवाने खास, और ऊपर सारा गोल्ड प्लेटेड। और ये एग्जिट। तो ये था पूरा टूर उमेद भवन का। यही था उमेद पैलेस। लो जी, राजा भी आ गया है और राजा की सवारी भी तैयार हो गई है। लेकिन हम चले वापसी। जोधपुर जैसे शहर में जहाँ बहुत गर्मी थी, रेगिस्तान था, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, बहुत पेड़ पौधे उखाड़ रखे थे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जोधपुर आए तो कैसे अपना दिन प्लान कीजिए। सवेरे 7 बजे जोधपुर पहुँचा था मैं। जोधपुर पहुँचते मैंने लिया टांगा। टांगा लिया मैंने अपने होटल तक के लिए, लेकिन रास्ते में दिखी मुझे ये भक्कम सी दुकान कृष्णा स्वीट्स की। यहाँ मैंने खाया पकौड़ा। गुड मॉर्निंग है जी, डे 2 है हमारा जोधपुर का, और मैंने पूरा राजस्थान छान मारा है। और आज हमें मिला है ये, लग रहा है लेग पीस, मगर ये लेग पीस नहीं है, ये कोई कचौड़ी टाइप है। कोई फेमस दुकान थी, भीड़ लगी हुई है सवेरे 7 बजे। तो वहाँ रुक गया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ये लेग पीस जैसा क्या है। वाह, अंदर बड़ी भक्कम स्टफिंग कर रखी है, मजा आ गया खाने। एकदम चौकस। ब्रेकफास्ट करके मैं पहुंचा अपने होटल संत कृपा। 2 घंटा मैंने वहां पे रेस्ट किया। रेस्ट करके मैं गया मेहरानगढ़ फोर्ट, वो एक्सप्लोर किया। फिर 100 रुपये दे के जसवंत ठड़ा, वो एक्सप्लोर किया। फिर मैं चला गया तूर जी का झालरा, उसके बाद कल्याणी लेक। फिर मैं घूम रहा था
पचेतिया हिल्स में, बहुत ही भक्कम थी यहाँ की पचेतिया हिल। ये सारे जो ब्लू घर हैं ये पंडितों के घर हैं। उसके बाद मैं पहुँच गया अपना डिनर करने के लिए रूफ टॉप पे। यहाँ पे सारे जो रूफ टॉप हैं उनके ऊपर से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखेगा मेहरानगढ़ फोर्ट का। और नेक्स्ट दिन के लिए लिया मैंने स्कूटर, क्योंकि नेक्स्ट दिन जाना है मेरे को थोड़ा सा जोधपुर शहर से बाहर और भक्कम भक्कम जगहें देखने के लिए, जैसे कि जाजीवाल धुरा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भक्कम जगह ही है। और उसके बाद बुलेट बाबा, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के नज़ारे तो खूब हैं ही हैं। नील गाय, हिरन आपको खूब दिखेंगी। सब जगहों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। उसके अलावा कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।